जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ गगन सागर और आपका स्वागत है मेरे चैनल गगन की ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं गरियावन, जो कि बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है। वैसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, अगले ब्लॉग नहीं आ रहा था, अभी कंटिन्यू आएगा। फिलहाल हम हैं कोविड हॉस्पिटल के सामने, जस्ट देख सकते हो यहाँ कोविड पेशेंट लोग को रखा जाता है। अभी कुछ टाइम बाद हम लोग पहुँच जाएंगे गरियावन। फिलहाल आज मेरे साथ जा रहा है हमारा जो पर्सनल वाला ड्राइवर है, आज दोनों जा रहे हैं। इसके बाद लगातार ब्लॉग आने वाला है, अच्छा अच्छा आएगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। अभी हम दिखाएंगे थोड़ा, मतलब गरियाबंद का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे और थोड़ा घूमने वाले हैं गरियाबंद के अंदर। तो आज दिखाते हैं टोटल गरियाबंद का टूर, आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गरियाबंद के जस्ट सामने, देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही विश्राम गृह मिल जाएगा। जैसे आप अगर गरियाबंद में नए हो और रात को जगह वगैरह नहीं मिल रहा है आपको रुकने के लिए, तो यहीं आके रुक सकते हो आप। विश्राम भवन गरियाबंद काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे बाहर से, एक आध दिन अंदर जा कर रुकेंगे। जैसे किसी दिन अगर लेट होता है तो रुक के बताएँगे अंदर का नज़ारा कैसा है। और यहाँ महिंद्रा का जो शोरूम खुला हुआ है, पे आपको ट्रैक्टर उक्टर मिल जाएगा। और इधर है पुलिस लाइन, जो कि पुलिस वालों के रहने की व्यवस्था है इधर। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कुछ बन रहा है शायद, तक पता नहीं क्या बन रहा है। हम लोग बहुत दिन बाद वैसे गरिया बनाना हो रहे हैं, देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो दोस्तों ये है यहाँ का जिला पंचायत, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाहर जो है मतलब कुछ मंदिर का चित्र बनाया गया है, जो कि जतमई या घटा रानी का चित्र है। इधर अपना पड़ेगा पुलिस विभाग का ही है ये एरिया। और ये है कलेक्ट्रेट, जो कि थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, थोड़ा बहुत बाहर से दिखाएंगे, वैसे अंदर से दिखाने का अनुमति नहीं है। और इधर है अपना परेड ग्राउंड, थोड़ा सा लंबा आगे जाने से मिल जाएगा आपको। इधर एक पेट्रोल टंकी है, जो कि ये रहा यहाँ का गेट। गांधी बापूजी। कुछ नज़ारा है यहाँ का, देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वैसे अंदर हम दिखाने वाले नहीं हैं, सिर्फ बाहर ही दिखाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। हेलो सो दोस्तों, फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं कलेक्ट्रेट से, देख सकते हो ये है कलेक्ट्रेट। और इधर है अपना पेट्रोल टंकी, देखिए। और ये रहा परेड ग्राउंड, अमर गरियावन, स्वच्छ गरियावन। वैसे यहाँ जैसे कुछ भी कार्यक्रम होता है तो यही परेड ग्राउंड में ही होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, काफ़ी खेल कूद भी होता है यहाँ पर। तो अभी हम प्रवेश करने वाले हैं पूरा गरियाबंद सिटी के अंदर, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है वैसे यहाँ का जो व्यवस्था व्यवस्था सब दिखाने वाले हैं आपको। तो ये है रावण भाटा, जो कि यहाँ दशहरा होता है गरियाबंद का, काफ़ी बड़ा रावण का मूर्ति है। आई लव गरियाबंद, वैसे आई लव गरियाबंद इसलिए बोला क्योंकि हम गरियाबंद जिले से हैं। इधर यहाँ का मंडी है, जो कि धान उन दिया जाता है। बंद है कहाँ से पता नहीं है, फिलहाल नया मंडी बन गया होगा, पहले पुराना तो यही था। दोस्तों ये है शनि मंदिर वाला एरिया, ये टोटल एरिया शनि मंदिर में आता है। ये है यहाँ का शनि मंदिर, जो कि दिया हुआ जलाया जा रहा है। आज सुबह से शनिवार पूजा वूजा चल रहा है। तो दोस्तों ये एरिया फॉरेस्ट विभाग का है, जो कि यहाँ फॉरेस्ट गार्ड लोग रहते हैं। वन मंडल गरियाबंद। और इधर जो पुराना वाला विश्राम गृह है इधर है, जो कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया है, वो नया विश्राम गृह है ये पुराना वाला। देखिए ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है जो भी बनाया गया है, बाल बच्चे को देखने लायक है।
और इधर आपको स्टेट बैंक देखने को मिल जाएगा अंदर जाओगे तो। और रोज तो अभी हम पहुंच चुके हैं गरियाबंद सिटी के अंदर, जो कि फ़िलहाल काफ़ी कम भीड़ है। वैसे अगर थोड़ी मतलब और लेट करके आएंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाएगा, 2-3 बजे से भीड़ ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है गरियाबंद। वैसे तो काफ़ी अच्छा अच्छा दुकान मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे एक पान भंडार है जो कि अपना छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस पान भंडार, उसका नाम ही फेमस पान भंडार है। और ये बस स्टैंड वाला एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया में है बस स्टैंड। वैसे बस स्टैंड से दोस्तों ये है यहाँ का बस स्टैंड वाला एरिया, जो कि मतलब रोड किनारे जस्ट सामने ही है, रोड के जस्ट सामने। देखिए यहाँ पे आपको अगर आओगे तो हर चीज़ मिल जाएगा, जैसे ऑटो वगैरह। ऐसे यहाँ बंदर भी कूद कूद के चढ़ा जा रहा है, देखिए। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग बस स्टैंड से निकल रहे हैं। देखिए ये कुछ नज़ारा है बस स्टैंड पार का। ये है तिरंगा चौक, जो कि यहाँ काफ़ी मतलब बढ़िया तरीक़ा से तिरंगा फहराया जाता है और काफ़ी भीड़ भी होता है। और ये जो एरिया है ये थाना वाला एरिया है। देखिए इधर एक प्राइमरी की स्कूल भी है, काफ़ी बढ़िया है, अंदर चित्र उत्र बढ़िया से बनाया गया है। वैसे गरियाबंद में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा जगह है, तो एक आध दिन जब फ्री में आएंगे तो टोटल दिखाएंगे। फ़िलहाल हम लोग थोड़ा बिजी हैं, कहीं और भी जाना है तो थोड़ा कम ही दिख पाएगा इस टाइम। ये रहा गरियाबंद थाना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, कोटक बैंक, आईबीसी बैंक, 3 बैंक है एक ही जगह। अब इधर जाएगा आपका कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप इधर से जाते हो तो हॉस्पिटल भी जाएगा, जस्ट सामने ही है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के आगे थोड़ा सा हॉस्टल मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आपको स्कूल मिल जाएगा जो कि गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ स्कूल है। यहाँ पे 2 पेट्रोल टंकी है, एक इधर है और सेकंड है उधर, जो कि कलेक्टेड साइट। पहले जो कलेक्टेड था यही साइट में ही था, जो फ़िलहाल गवर्नमेंट कॉलेज लगा हुआ है। और ये है अपना साईं मंदिर, जो कि गरियाबंद में काफ़ी फेमस है साईं मंदिर, देख सकते हो। फिलहाल काम हम चल रहा है तो कुछ खास लग नहीं रहा है, सबको तोड़ ताड़ दिए हैं। ये ऊपर साईं मंदिर है, यहाँ गुरुवार के दिन पूजा होता है साईं मंदिर का। ये रहा यहाँ का एंट्री गेट। तो दोस्तों ये है वीर सुरेंद्र साय कॉलेज, जो कि गरियाबंद जिला में काफ़ी बढ़िया चलता है यही वाला, एडमिशन वगैरह अच्छा लिया जाता है इसमें, और गवर्नमेंट कॉलेज है। इधर है स्टेडियम, जो कि क्रिकेट विकेट खेलते हैं इधर। ये है मालगांव वाला रास्ता, अगर आप जाना चाहो तो इधर से मालगांव जा सकते हो, रायपुर आगे बहुत सारे मतलब गांव पड़ेगा आपको। तो ये फ़िलहाल अपना गरियाबंद का लास्ट छोर है ये, तो इधर से रिटर्न जाएंगे और आपको दिखाएंगे गरियाबंद अंदर का और थोड़ा कुछ नज़ारा। तो दोस्तों अभी हम गरियाबंद के दूसरा छोर जा रहे हैं, जो कि छुरा वाला एरिया में पड़ता है, तो अभी वही वाला एरिया जा रहे हैं। थोड़ा सा उधर देखते हैं, अभी कुछ नया दिखे तो मतलब कुछ नया होगा तो दिखाएंगे। वैसे गरियाबंद बहुत पुराना है हम लोग के लिए, पता नहीं दूसरे लोग, जिसके लिए नया है वो देख सकते हैं ब्लॉग, और जो पुराना है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल बहुत सारा चेंज हुआ आ गया है गरियाबंद।
जिले में, और काफ़ी बड़े बड़े घर लोग बन चुके हैं और काफ़ी कुछ नया आ गया है। तो अभी छुरा वाला एरिया जाते हैं। तो दोस्तों ये है छुरा वाला रोड, जो कि आपको यहाँ से मतलब छुरा वाला रोड कटेगा तिरंगा चौक से। ये रास्ता में काफ़ी अच्छा अच्छा दुकान आपको मिल जाएगा। जस्ट थोड़ा सा अंदर जाने से सब्ज़ी मार्केट मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको अंदर भी लेके जाएंगे जिधर सब्ज़ी मार्केट है। काफ़ी बड़ा एरिया में मतलब सब्ज़ी मार्केट लगता है। ये वाला रोड आपको डायरेक्ट छुरा लेके जाएगा और काफ़ी अच्छा रोड है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी में छुरा पड़ता है, जो कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत ही आता है। देख सकते हो एक से एक कपड़ा दुकान मिल जाएगा आपको अगर इस एरिया में आते हो तो। यहाँ पे एक मस्जिद भी है जो कि काफ़ी पुराना मस्जिद है। तो दोस्तों अभी हम इंटर कर चुके हैं सब्जी मार्केट, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी चौड़ा मार्केट है ये। मतलब गरियाबंद का सबसे बड़ा मार्केट है सब्जी मार्केट। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगा, जैसे किराना सामान से लेकर सब्जी वब्जी हर चीज़। तो काफ़ी बढ़िया है, अगर कभी आप गरियाबंद आते हैं तो इस जगह ज़रूर विजिट कीजिए, काफ़ी बढ़िया है। हम लोग यहाँ कुछ कुछ सामान खरीद रहे हैं, सब्जी वब्जी ले जाएंगे थोड़ा सा, तो कुछ कुछ इस प्रकार का है जो ये दुकान उकान लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा एरिया में लगता है वैसे, तो आप ज़रूर आइएगा गरियाबंद सब्जी मार्केट। हम निकल रहे हैं सब्जी मार्केट से, अभी जा रहे हैं हम बस स्टैंड की ओर। सदस्य अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। ये देखिए ये दूसरा साइड से बस स्टैंड का नज़ारा है, देख सकते हो आप। सदस्य इधर से जाता है भूतेश्वर। वैसे कभी मतलब भूतेश्वर गए नहीं होंगे तो अपना जो वीडियो है देख सकते हो आप। दोस्तों अभी हम आ गए हैं गरियाबंद का लास्ट छोर, जो कि देवोग रोड में है, और फिलहाल हम घर निकल जाएंगे कुछ टाइम बाद। वैसे काफ़ी लेट हो गया है घूमते घामते, वैसे कुछ ज़्यादा से दिखा नहीं पाए लेकिन बहुत टाइम से घूम रहे हैं हम लोग। ये देखिए फिर से एक बार शनिदेव का दर्शन करवाते हैं, क्योंकि आज शनिवार है तो घर बैठे शनिदेव का दर्शन भी हो जाएगा आप लोग को। तो ये एरिया है जो कि रावणवाट एरिया में आता है और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो उतना ही, मतलब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा तो नहीं हो रहा है लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल का आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियो डाले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो लगातार आने वाला है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।